मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई है साथियों। पहले तो मैं शुक्रिया कहना चाहता हूँ आपका कि आपने हमें मौका दिया आपको आपके साथ मिलने का। और आपने जब हम नवंबर में अहमदाबाद में हम वो मैच हारे थे तो वहाँ पे भी आप आए थे जब हमारा थोड़ा समय इतना अच्छा नहीं था, तो हमें बहुत खुशी हुई कि आप आज हम आपको इस खुशी के मौके पे भी मिल सकते हैं। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जो रोहित और इन सब लड़कों ने बहुत जो फाइटिंग स्पिरिट दिखाई है, जो नेवर से डाई एटीट्यूड दिखाई है, बहुत मैचेस में फाइनल में जाके भी वो बहुत मतलब इन लड़कों का बहुत क्रेडिट है इसमें। बहुत मेहनत की है इन लड़कों ने। बड़ी खुशी की बात है कि जो इन लड़कों ने इंस्पायर किया है। बहुत बार हमारे पास बिल्कुल पास में आया था वर्ल्ड कप, बट हम आगे नहीं जा सके, लेकिन इस बार सब लोगों की वजह से हम उस चीज़ को हासिल कर सके। तो वो पिच मेरे लिए बहुत मतलब ये था कि उस पिच पे हमने वो जो भी हमने किया उस पिच पे किया, तो इसलिए वो बस उस मोमेंट पे वो हो गया मेरे से। हम लोगों ने पूरे टीम ने इस चीज़ के लिए इतना मेहनत किया था और वो मेहनत हमारी रंग लाई उस दिन। हर देशवासी ने मार्क किया होगा, लेकिन रोहित मैंने दो एक्सट्रीम चीज़ें देखी इसमें, मुझे इमोशंस नज़र आ रहा था। और जब तुम ट्रॉफी लेने जा रहे थे जो नृत्य होता है सर, उसके पीछे ये था कि जैसे हम सबके लिए इतना बड़ा मोमेंट था वो, और हम सब लोग इस चीज़ का इतने साल से इंतज़ार कर रहे थे। तो मुझे लड़कों ने बोला कि आप सिर्फ ऐसे ही मत जाना चलकर, कुछ अलग करना तो ये चहल का आइडिया था क्या? चहल और कुलदीप, चहल और कुलदीप। अच्छा तो आपकी ये रिकवरी की यात्रा कठिन है, प्लेयर के नाते तो शायद पुरानी आपकी अमानत थी उसको आपने आगे कर लिया, लेकिन ऐसे समय कोई व्यक्ति रिकवरी करे ये, क्योंकि आपने उस समय काफ़ी पोस्ट भी किए थे, मैं आपके पोस्ट देखता रहता था कि आज आपने इतना कर लिया, आज इतना कर लिया, तो मुझे हमारे साथी बताते थे। सर थैंक यू पहले कि आपने हम सबको यहाँ बुलाया। इसके पीछे सर नॉर्मल थॉट था ये, क्योंकि एक डेढ़ साल पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो काफ़ी टफ टाइम चल रहा था, वो मेरे को याद है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपका कॉल आया था सर मेरी मम्मी को, तो बहुत ज़्यादा दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। बट जब आपको कॉल आया, मम्मी ने मेरे को बताया कि सर ने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब थोड़ा मेंटली रिलैक्स हुआ काफ़ी। उसके बाद फिर रिकवरी के टाइम पे आसपास सुनने के लिए मिलता था सर कि क्रिकेट कभी खेलेगा या नहीं खेलेगा, तो मेरे को स्पेशली विकेट कीपिंग के लिए मेरे को बोलते थे कि यार बैट्समैन तो फिर भी कर लेगा, बैटिंग कर लेगा, बट विकेट कीपिंग करेगा या नहीं करेगा। तो पिछले डेढ़ दो साल से सर यही सोच रहा था कि यार वापस फील्ड में आके जो कर रहा था उससे बेटर करने की ट्राई करनी है, और किसी और के लिए नहीं बट अपने आप को प्रूव करना है, नहीं वापस डेडिकेट करके कि यार नहीं वापस इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना है और इंडिया को जिताने को देखना है। ऋषभ, जब आपका रिकवरी चल रहा था, मैंने आपसे माँ से बात किया था, मैंने दो बातें कही थी। एक तो मैं पहले डॉक्टर से चर्चा की थी, तो डॉक्टरों से मैंने ओपिनियन लिया था, फिर मैंने कहा कि भाई कहीं इसको बाहर ले जाना है तो आप मुझे बताइए, हम चिंता करेंगे। लेकिन मुझे आश्चर्य था आपकी माँ के आत्मविश्वास का। ऐसा लग रहा था जब मैं उनसे बात कर रहा था, मेरा परिचय तो नहीं था, कभी मिला तो नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे आश्वासन दे रही है यार बड़ा 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 गजब का था जी
तो मुझे लगा कि जिसको ऐसी माँ मिली है वो कभी विफल नहीं जाएगा, ये मेरा मन में विचार आया था उसी समय आया था जी, और आपने करके दिखाया जी। और सबसे बड़ा मुझे जो लगा, मैंने आपसे बात किया, किसी का दोष नहीं ये मेरा दोष है, ये बहुत बड़ी बात है जी। वरना कोई भी बहाना निकालता, गड्ढा था, डिगना था, फलाना था, आपने ऐसा नहीं किया, ये मेरी गलती थी। शायद ये आपका जीवन के प्रति जो ओपननेस है, और मैं छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करता हूँ दोस्त, और हर किसी से सीखता हूँ, तो मैं सच बताता हूँ आपका जीवन देश के पेशेंट्स इन जनरल और प्लेयर्स इन पर्टिकुलर बेपक्का बड़ी इंस्पिरेशन लेंगे जी।